लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमारा फोकस ये था कि अगर हमारे पास एक वर्ड मौजूद है तो उसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आज का फोकस ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन, अब वर्ड हमारे पास मौजूद है उससे मॉर्फोलॉजिकल फीचर बनाने के तरीके क्या हैं। दो पार्ट हैं आज के, एक में हम फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर देखेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे पास वर्ड मौजूद हो तो वर्ड से हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किस तरह से बना सकते हैं। दूसरा पार्ट जो ब्रेक के बाद स्टार्ट होगा, 4:15 के करीब करीब का टाइम मैंने रखा है, मैं उसको चैट पे पेस्ट कर रहा हूँ। उसमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग और इसके जरिए और सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें जो लोग प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं वो ज्यादातर उन लोगों के लिए है, और उसमें 7-8 स्लाइड्स हैं। मेरे ख्याल में 15-20 मिनट बात होगी कि ये टूल्स अवेलेबल हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डाटा सेट्स अवेलेबल हैं जिसमें इस्तेमाल कर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा सेशन तो बहुत छोटा सा होगा, ये सेशन तफसील से है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि फाइनाइट प्लान ये है कि फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर के जरिए हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। जो टूल यूज करेंगे वो फॉर्मा होगा और उर्दू नाउन को मॉडल करेंगे फॉर्मा टूल के जरिए। तो हम उर्दू के कुछ वर्ड्स इनपुट देकर उनका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये पहली चीज के फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर में ई भी आएगा, टाइपो है ये। फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर एक मैथमेटिकल मशीन है, यानी एक कंप्यूटेशन का मैथमेटिकल मॉडल है। कंप्यूटर साइंस में एक कोर्स होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या दूसरा उसका नाम होता है ऑटोमेटा थ्योरी, कि हम कंप्यूटेशन को या ऑटोमेट चीजें जो ऑटोमेट कर रहे हैं ऑटोमेशन को किस तरह से मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई जाती है। फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई जाती है, और ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन जिसमें, एक सेकंड मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, और ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन जो आउटपुट भी दे रही हो उसे फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। नॉर्मल फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो आउटपुट नहीं देता, वो यस या नो आंसर देता है कि आपका स्ट्रिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो आउटपुट भी देने लगे तो उसे फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो हम फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज करते हुए आउटपुट करवाएंगे कि एक वर्ड इनपुट होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फीचर्स क्या हैं वो आउटपुट हो जाएंगे। अच्छा, फाइनाइट स्टेट अप्रोच क्यों यूज करते हैं? एक बात इसकी यह है कि मैथमेटिकली वेल अंडरस्टूड, हमें पता है कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। हम उसे थ्योरम की तरह, मैथमेटिक्स के थ्योरम की तरह प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत सारी चीजों में नहीं होता, जो नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं उसको हम मैथमेटिकली आसानी से प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी फाइनाइट स्टेट मशीन्स की हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पता होती हैं और हम मैथमेटिकली डिटरमिन कर सकते हैं कि ये इसकी पावर क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात, ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। अगर आप अपने लेक्सिकॉन को सिर्फ सर्च करने के लिए रख रहे हैं, आपके पास 1,000 वर्ड्स हैं या 1,00,000 वर्ड्स हैं, उसे सर्च करने के लिए रख रहे हैं या किसी डिक्शनरी में, और उसे नॉर्मली सर्च करेंगे तो अगर बाइनरी सर्च भी होता है तो वो लॉग एन होता है। इसमें जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने स्टेप्स में आप पहुंच जाएंगे। तो ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, कि अगर आपको स्ट्रिंग सर्चिंग करनी है और आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है तो उसे फाइनाइट स्टेट मशीन के तौर पे रखने से लिस्ट आपको एन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, वरना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेंथ ऑफ द लिस्ट होती है। तो ये कंप्यूटर साइंस वालों का मैसेज था। फिर तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि मेरे पास अगर एक वर्ड आया है और मैं उससे मॉर्फोलॉजिकल फीचर जनरेट करने की मैंने फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर बना लिया, तो मैं उसे रिवर्स चलाकर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इनपुट देकर वहां से वर्ड आउटपुट करवा सकता हूँ। एक मिनट रुकिए। ओके सॉरी, मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी। अच्छा जी, तो अब इसके बाद
तो ये फाइनाइट, इस वजह से हम फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर की सिंपलेस्ट एग्जांपल ये इसकी शक्ल होती है कि आपने अगर फॉक्स लिखा तो वो एफ एक्सेप्ट करके पहली स्टेट पे चला गया, ओ एक्सेप्ट करके दूसरी स्टेट पे चला गया, एक्स एक्सेप्ट करके तीसरी स्टेट पे चला गया, एंड सो ऑन। तो एफिशिएंट ये ज्यादा होता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा थ्योरी में जब ये चीज डिस्कस हो रही होती है तो 6 क्लासेस या 1/3 सेमेस्टर इसी पे डिस्कस होता रहता है। तो हम उसमें से सिर्फ वो खास चीजें देख रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर की बात हो गई, हम यूज करेंगे। जब फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर में या जनरली भी हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को इस तरीके से कि हमारे पास हमारे जो वर्ड है और मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है ऊपर, जिसे लेक्सिकल फॉर्म कह रहे हैं या अपर फॉर्म कह रहे हैं, उसमें वर्ड सन है, वो एक नाउन है और प्लूरल है। इसको लेक्सिकल फॉर्म कहते हैं, इसे आप लॉजिकल फॉर्म कह लें या अपर फॉर्म है, यानी ये हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। जब हम इससे बोलना चाहते हैं कि मुझे सन नाउन को एज अ प्लूरल बोलना है, तो उसकी सरफेस फॉर्म जो होती है वो सन्स होती है। इसी तरह फॉक्स है, लेक्सिकल फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म या अपर फॉर्म जो है वो प्लस फॉक्स, जो एक नाउन है और एक प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो सरफेस फॉर्म है, अगर हम फॉक्स प्लूरल को बोलना चाहेंगे तो वो फॉक्सेस होगा, FOXES, सरफेस फॉर्म। तो हमें ये दोनों काम करने हैं। अगर हमारे पास सरफेस फॉर्म या डाउन फॉर्म मौजूद हो तो वहां से हम उसकी लेक्सिकल फॉर्म बना दें, और अगर हम उसे लेक्सिकल फॉर्म इनपुट दें तो वो उससे सरफेस फॉर्म बना दे। ये हमारा टारगेट है, कैसे अचीव करेंगे ये देखना है। इसको अचीव करने के लिए फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर होते हैं जो दो तरह से बनते हैं। आज के लिए तो ये दोनों तरीके बराबर ही हैं, क्योंकि आज हम एक छोटा सा उसका पीस देख रहे हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे ये दो डिफरेंट तरीके हैं। एक में पैरेलल कंस्ट्रेंट अप्लाई होते हैं, यानी हम डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे सन का प्लूरल सन्स हुआ, फॉक्स का प्लूरल FOX, उसके बाद ES आया, एक एक्स्ट्रा ई भी आया। तो बहुत सारे हमें मॉर्फोलॉजिकल रूल्स के साथ ये कंस्ट्रेंट भी लगाने होते हैं कि अगर एक्स पे एंड हो रहा होगा तो उसके आगे एस नहीं लगेगा बल्कि ES लगेगा। तो ये जो फोनोलॉजिकल रूल्स या ऑर्थोग्राफिक रूल्स हम ऐड कर रहे होते हैं वो हम पैरेलल डिफाइन कर सकते हैं कि सारे एक साथ अप्लाई हो, या सीक्वेंशियल डिफाइन कर सकते हैं कि पहले एक रूल अप्लाई हो, फिर दूसरा स्पेलिंग रूल अप्लाई हो, फिर तीसरा स्पेलिंग रूल अप्लाई हो। तो दोनों तरीके हैं और दोनों तरीके मोर और लेस इक्विवेलेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन दोनों की टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग होती हैं। हम जो फोकस करेंगे वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रेंट अप्रोच पे करेंगे कि पहले एक चीज अप्लाई की, फिर दूसरी चीज अप्लाई की। जो टूल हम यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर है, कि अगर हम कोई इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस पे लगाएंगे कि पहले ये अप्लाई होगा, फिर दूसरा अप्लाई होगा, फिर तीसरा अप्लाई होगा। इसके दो टूल हैं। स्टार्ट जो हुआ था, पहला जो टूल आया था वो ज़ेरॉक्स फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर आया था, पैरेलल ग्रामर प्रोजेक्ट में जो LFG फ्रेमवर्क यूज करता है उसमें बहुत इस्तेमाल हुआ ये। इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये प्रोप्राइटरी है तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसका एक ओपन सोर्स इक्विवेलेंट है जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी पावर तकरीबन SFST जैसी ही है। तो आपको अगर फोमा यूज करना आता है तो आप SFST यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, और SFST यूज करना आता है तो फोमा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम फोमा यूज कर रहे हैं क्योंकि आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। SFST के लिए आपको उन्हें लिखना पड़ेगा, वो आपको फिर इजाजत देंगे एकेडमिक पर्पसेस के लिए, फिर मेल करेंगे, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। फोमा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक मैंने भेजा था पहले भी। तो दूसरा वाला लिंक ये है कि अगर आप मजीद ट्यूटोरियल देखना चाहें तो ये देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फोमा के जरिए सिंपल काम किस तरह से कर सकते हैं। ये फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर है जो एट द एंड बनता है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम पहले सिंपल बनाते हैं। तो फोमा में दो तरह के रूल्स होते हैं, कुछ हम मैच करते हैं, मैचिंग रूल्स, आज 90% ऑफ टाइम हम यही डिस्कस करेंगे, और कुछ होते हैं रिप्लेसमेंट रूल, जिसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं कि फॉक्स में जिस तरह से हमें ई एंड इंसर्ट करना है तो एक रिप्लेसमेंट रूल के थ्रू इंसर्ट हो जाएगा फॉक्सेस में। उसके सिर्फ एक एग्जाम्पल देखेंगे,
लेकिन एडवांस फॉर्म में फिर मसला यही होता है कि पहले हम जब मैचिंग रूल बहुत सारे लिख देते हैं तो उसके बाद हमें रिप्लेसमेंट रूल्स भी बहुत सारे लिखने होते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं और फिर ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन भी कंप्यूटर साइंस जिन्होंने पढ़ी भी है उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न, हम किसी भी स्ट्रिंग्स का या वर्ड का पैटर्न डिफाइन कर रहे होते हैं वो कुछ खास तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की ए प्लस, प्लस का मतलब यह है कि ए को वन और मैनी टाइम्स रिपीट करना है। अगर ए स्टार लिखा होता तो ए को जीरो और मैनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ए उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, एंड सो ऑन। तो रेजेक्स ए प्लस का मतलब क्या है कि हम ए को वन और मैनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जब इसे कंपाइल करते हैं तो इससे फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर बनता है, यानी फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर बनाने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी होती है। और फिर उसके तरीके होते हैं कि वो किस तरह से कर देता है, और ये वाला टूल ऑटोमेटिक करता है। तो हम इसकी स्टार्टिंग स्टेट पर होते हैं। अब इसको पहले वो ए मिला तो वह फाइनल स्टेट पे चला गया और उसके बाद ए रिपीट होता जाएगा, तो ये इसका फाइनल स्टेट ट्रांसड्यूसर है। अब लेकिन आपको ट्रांसड्यूसर किस तरह से बनता है, किस तरह से चलता है, वो आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये चीजें खोली भी हैं, मैं अभी ये वन बाय वन खोलता हूँ। शेयरिंग में जाके अगर आप ये देखें तो फॉर्मा Win32 मौजूद होगा, इसमें जाकर फॉर्मा डॉट एक्सी पे डबल क्लिक कर दें। फॉर्मा डॉट एक्सी पे डबल क्लिक किया तो आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी, तो जाहिर आपको नजर नहीं। अब मैं ये वाली स्क्रीन शेयर करूं, पूरी स्क्रीन शेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद अभी बल्कि मैं ये पूरी स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ क्योंकि बार बार हम स्विच करेंगे। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें इसमें आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन पे फॉर्मा जीरो लिखा हुआ है और यहाँ पर आप कुछ कमांड लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर रेज एक्स और उसके बाद जो भी पैटर्न लिखना है ए प्लस लिख दिया, ए प्लस और उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। तो इसने इसका फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर बना लिया। उस मॉडल में 213 बाइट्स हैं। बाद में आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा मॉडल बनाए तो उसे सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में यूज कर सकें। दो स्टेट्स हैं, दो आर्क्स हैं और वो साइक्लिक है, यानी उसमें साइकिल है। साइक्लिक इसका क्या मतलब है, टू स्टेट्स टू आर्क्स और साइक्लिक, ये इस मॉडल को शो कर रहा है। इसके बाद हम आगे मॉडल्स नहीं देखेंगे। तो इसमें दो स्टेट्स हैं एस नॉट एस वन, दो आर्क्स हैं ये दोनों, एक आर्क एस नॉट से ए पे जा रही है, एस वन पे जा रही है, दूसरी एस वन पे ही अपने पास आ रही है, और इसी वजह से क्योंकि वो एस वन से अपने पास ही आ रही है ये साइक्लिक भी है। तो ये मॉडल बन गया। विंडोज पे आप लिखेंगे तो वो क्रैश कर जाएगा, अगर आप डॉस पे लिखेंगे तो आप डॉस डॉस कह रहा हूँ, लिनक्स पर या मैक पर हो और वहां पे आप प्रिंट डिस्प्ले नेट या व्यू नेट करें तो आपको ये मॉडल बना हुआ नजर भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी मौजूद होती है, विंडोज पे नहीं होती। अच्छा, अगर आप वैसे देखना चाहें तो प्रिंट नेट करेंगे तो ये नेटवर्क आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी नजर आ जाएगा। तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट ये वाला फाइनाइट स्टेट मशीन का आइडिया है तो वो चेक भी कर सकते हैं कि ये सही बना है या नहीं बना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें चेक करना है, हमने डिफाइन कर दिया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो इस पैटर्न वाले वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा और दूसरे वाले को रिजेक्ट कर देगा, यानी जिसमें बहुत सारे ए आ रहे होंगे उन सबको वह एक्सेप्ट कर देगा। डाउन ए इसने अपने आप को इको कर दिया। आगे जाके मैं बताऊंगा कि इको के अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले हम पैटर्न बनाना सीख रहे हैं और फिर पैटर्न को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं।
तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ इको कर रहे हैं कि डाउन ए लिखा तो उसने उसी को ऑटोमेटिकली इको कर दिया, खाली डाउन ए लिखा तो इसने इको कर दिया, यानी ए के पैटर्न को जानता है। लेकिन अगर आप ए और बी को मिक्स कर देंगे या ए के अलावा और कोई चीज लिखेंगे तो ये फिर क्वेश्चन मार्क दे देगा, यानी वो सिर्फ हमने जब डिफाइन किया रेजेक्स ए प्लस, वो रेजेक्स ए प्लस सिर्फ ए वाले पैटर्न्स को जानता है और किसी और पैटर्न को नहीं जानता। तो रेजेक्स ए प्लस का मतलब यह है कि सिर्फ ए मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, एटलीस्ट वन टाइम्स और मेनी टाइम्स, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और डाउन लिख कर हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सी चीज ये जो हमने पैटर्न डिफाइन किया उसे फुलफिल करती है या नहीं करती। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, आगे जाके हम इसे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और आखिर में ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पूरे इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश उर्दू के ऑल वर्ड्स का हम एक पैटर्न दे देते हैं किसी तरीके से, तो वो उन वर्ड्स को रिकग्नाइज कर देगा, बाकी वर्ड्स को कहेगा कि ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है या मेरी डिक्शनरी का पार्ट नहीं है, और सेकंड काम ये करेगा कि उसे ट्रांसफॉर्म भी करेगा उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को। इसी तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, हम इसे वन बाय वन रन करके देख लेते हैं। रेजेक्स ए स्टार, रेजेक्स कैट एंड सो ऑन। तो मैं अब यहां से स्टार्ट करता हूं इसे। अच्छा, इसके दरमियान में मैं फिर वो अनाउंसमेंट कर दूं कि सवाब चार पे मैंने एक और पे थोड़ा सा 15-20 मिनट का ही हम डिस्कस करेंगे, और उसमें सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग के थ्रू मॉर्फोलॉजी किस तरह से लर्न की जा सकती है, और सिर्फ टूल्स के नाम और डेटा सेट्स के नाम होंगे। तो उसके लिए मैंने एक अलहदा मीटिंग बनाई थी ताकि उसे अलहदा से रिकॉर्ड करें, वो रख दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पर। ये आपको अब मुझे अगर कैट के लिए या बल्कि दूसरी चीज रेजेक्स ए स्टार जब लिखेंगे तो अब जो चीज बनी उसमें सिर्फ एक स्टेट बनी, एक आर्क है, और ये जो है एक्सेप्ट करेगा डाउन, बहुत सारे ए लिखे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये एक ए लिखा तो भी एक्सेप्ट कर लिया, और ये जीरो ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए स्टार तो ये डाउन, और अगर नल स्ट्रिंग भी हम भेजें खाली स्ट्रिंग तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं कैट, सी ए टी कैट। अगर हमने एक ऐसा सिस्टम लिखा जो कैट को एक्सेप्ट कर रहा है, सी ए टी कैट, तो ये सी ए टी कैट, ओ सॉरी डाउन, अभी मैंने डाउन लिखा तो जाहिर है डाउन को तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे रेजेक्स लिखना चाहिए, रेजेक्स सी ए टी कैट, और फिर सेमी कॉलन लगा दें। सेमी कॉलन का मतलब है कि ये मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, अब आप रेजेक्स को कंपाइल कर लें। तो उसने उसे उससे एक ट्रांसड्यूसर बना दिया, अब ये कैट को एक्सेप्ट करेगा, कैट के अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सी ए टी कैट। डाउन कैट लिखा, उसने कैट को इको कर दिया, और उसके बाद एक मसला इसमें बड़ा होता है इसका, कोई सिंपल मैं स्क्रॉल करता हूं, सबर कीजिए। तो हमने ये रेजेक्स कैट, तो कैट को तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, कैट के अलावा आप सी ए बी कैब लिख दें तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आगे जाके हमें दो काम करने हैं कि कोई ऐसी चीज जो कैब को भी एक्सेप्ट करे, वो ग्रामर कैसे बनेगी, वो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगी, वो देखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये कैट किस तरह से लिखना है, इस कैट को इस तरह से लिखना है या रेजेक्स सी स्पेस ए स्पेस टी। हमें हर अल्फाबेट को अलग अलग लिखना है स्पेस के साथ, इसकी एक वजह है, अब मैं वजह बताता हूं आपको प्रेजेंटेशन पे आकर। रेजेक्स कैट और रेजेक्स सी स्पेस ए स्पेस टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप सी ए टी कैट लिखेंगे स्पेस के बगैर तो वो ये समझेगा कि आपने एक यूनिट जो दिया है वो एक सिंगल यूनिट है, सी ए टी कैट एक सिंगल हमारे पास अल्फा यूनिट है जिसे हम यूज करेंगे। ये
जो हमने फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाजमी नहीं कि सिर्फ करेक्टर्स पे चले या लेटर्स पे चले, ये वर्ड्स पे भी चल सकता है। हम नाउन फ्रेज के लिए एक फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, हम वर्ब फ्रेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, हम कोई और जो सेंटेक्स अभी लिख रहे हैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस करेक्टर्स पे भी अप्लाई हो सकती हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड्स पे भी अप्लाई हो सकती हैं। तो हमें खुद बताना पड़ता है कि हमारा एक यूनिट क्या है। एक यूनिट बताने के लिए हम जो चीज़ बगैर स्पेस के लिखें वो एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल हम कैट एक यूनिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, डॉग दूसरे यूनिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, एप्पल तीसरे यूनिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे विदाउट स्पेस लिखेंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि सी एक अलहदा यूनिट है जिसे अल्फ़ाबेट कह रहे हैं, अल्फा एक अलहदा लेटर है, ए एक अलहदा लेटर है, टी एक अलहदा लेटर है, तो हमें इन तीनों को स्पेस के साथ देना पड़ेगा। तो अगर हम रेजेक्ट सी ए टी कैट लिखेंगे तो कैट एक एज अ सिंगल यूनिट डील करेगा और हम वो और सिर्फ एक आर्क में डील होगा। सी को अलहदा वो नहीं जानता है, ए को अलहदा नहीं जानता, टी को अलहदा नहीं जानता, बल्कि उसे एज अ सिंगल यूनिट जानता है। और आपको इन तीनों को अलहदा अलहदा यूनिट के तौर पर रिकग्नाइज करवाना है कि सी अलहदा से रिकग्नाइज हो, उसके बाद ए रिकग्नाइज हो, उसके बाद टी रिकग्नाइज हो, तो आपको ये स्पेस के साथ देना पड़ेगा। और आगे जाके हम सारी चीजें स्पेस के साथ ही लिखेंगे, तो इसीलिए मैंने स्पेस के साथ लिख दिया रेजेक्स सी ए टी कैट। तो अब ये चार स्टेट्स वाला और तीन आर्क वाला सिस्टम बना। अभी तो ये भी वही कर रहा है कि आप डाउन सी ए टी कैट लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, डाउन सी ए बी कैब लिखेंगे तो ये से रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट किस तरह से कर रहा है? एक्सेप्ट इस तरह से कर रहा है कि वो उसी को इको कर देता है कैट को। रिजेक्ट इस तरह से कर रहा है कि उसकी जगह क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल आ गया। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल ये था कि हम ये देखें कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कैट को और कैब को, सी ए बी कैब को, दोनों को एक्सेप्ट करे। कैप था या कैप था, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो कैट और कैप दोनों को एक्सेप्ट करे। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो इसके पीछे छुप गई है, मिस मेन्यू के क्लिक करना आजाद हो जाता है। कैट और कैब दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, जो लास्ट वाला है हमें जो नजर आ रहा है। तो अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बनाने के लिए रेजेक्स सी स्पेस ए, और अब एक और आप सीख रहे हैं टी और बी। ये जो बार बना हुआ है जिसे पाइप साइन भी कहते हैं, ये और को रिप्रेजेंट करता है कि या तो सी ए के बाद टी आ जाए या उस बी आ जाए, तो ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब सी ए के बाद टी भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो थर्ड प्लेस पर टी और बी लिखा हुआ है। तो जिन चीजों को भी और करना होता है उनके दरमियान में ये पाइप साइन, बार साइन आप इंसर्ट कर दें। तो अब ये बन गया सिस्टम। ये सिस्टम बनने के बाद अब अगर आप डाउन लिखेंगे तो सी ए टी कैट ये एक्सेप्ट हो जाएगा, डाउन लिखेंगे आप तो सी ए बी कैब ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें, सी ए के बाद टी भी आ सकता है, सी ए के बाद बी भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप सी ए के बाद अगर आप पी कैप लिखना चाहें तो ये एरर दे देगा। एरर देने उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैं इसको नहीं जानता। तो अब हमें कोई ऐसी चीज करनी है जिससे वो इसको भी जानने लगे, इसको भी जानने लगे। उसके लिए अब हम क्या करें, हम एक जनरल सी चीज बना लेते हैं कि सी और डाउन रेजेक्स रेजेक्स सी ए, और ए के बाद कुछ भी आ जाए। कुछ भी लिखने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एनी कैरेक्टर आ सकता है, इंग्लिश का एनी लेटर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे सी ए और ए के बाद कुछ भी आ जाए हमने ये बता दिया, और कुछ भी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो सी ए और उसके बाद कुछ भी, तो अब आपकी एक नई स्टेट बन गई। इसमें डाउन सी ए पी कैट लिखूं तो कैट हो गया, डाउन सी ए पी कैप लिखूं तो कैप भी एक्सेप्ट हो गया,
जहाँ पे सारी चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ तीन करेक्टर वाली जिसमें से शुरू के दो जो है ना वो सी ए हो, अगर मैं डाउन सी ए टी सी एच कैच लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तीन करेक्टर वाला नहीं है। तो ये हमने कुछ चीजें देख ली। ये पहला काम यह है कि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए कि हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड फिर ये होगा कि हम उर्दू के लिए या इंग्लिश के लिए कोई सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। द वर्ड स्टार्ट्स विद बी एंड एंड एट के, इसका क्या होगा? द वर्ड स्टार्ट्स विद बी एंड एंड विद के, तो अगर मुझे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है तो मैंने रेज एक्स लिखा, बी से स्टार्ट हो रहा है और के पे एंड हो रहा है, तो बी से स्टार्ट हुआ के पे एंड हुआ, लेकिन उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। कुछ भी के लिए हमने कहा था कि ये लिखेंगे हम अपना क्वेश्चन मार्क, और दूसरी चीज ये लिखेंगे कि उसमें ये मल्टीपल, एक दफा लिखेंगे तो सिर्फ एक चीज आ सकती है, अगर बहुत सारी चीजें लिखनी है तो इसके बाद स्टार लगा दिया कि बी और के दरमियान में जीरो और मैनी करेक्टर्स आ सकते हैं। तो हमने, और आखिर में आपको सेमीकॉलन लगाना है, सेमीकॉलन ये कहता है कि टर्मिनेट हो गया, तो पहले बी आएगा, उसके बाद कोई भी चीज रिपीट हो सकती है मल्टीपल टाइम्स, और आखिर में के आएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये बन गया। अगर किसी को चेक करना है तो वो ये प्रिंट करके चेक भी कर सकता है कि वो S1 पे B एक्सेप्ट करके वो S1 पे रह जाता है और वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद अब हम डाउन बी डबल ओ के बुक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ये एक्सेप्ट हो गया, और डाउन बी ए सी के बैक लिखा, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो कोई भी चीज जिसमें स्टार्ट बी से हो एंड के पे हो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, डाउन बी ए सी बुक्स लिखूंगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हमने लिख लिया, एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी जल्दी और कर लेते हैं। फोर लेटर वर्ड्स डेट स्टार्ट विद बी और सी एंड एंड एट के, तो अब वही वाली बात कि बी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बी के अलावा सी से भी स्टार्ट हो सकता है, एंड हो रहा है के पे, और फोर लेटर है,